हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दिस इज एके मंधान और आपका पैसा बनना चाहिए। देखिए, क्रिप्टो आपके लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप सभी के लिए है। विच कैन बी नेक्स्ट मल्टीवैगर। देखिए, इसमें 60,000 करोड़ की इनसाइडर बाइंग हुई है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है इसमें। पावर लेजर जो है सोलर एनर्जी की डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या लिखा है, पावर लेजर इज एन ऑस्ट्रेलियन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एंड एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दैट अलाउज द डिसेंट्रलाइज्ड सेलिंग एंड बाइंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे इंडिया में टाटा पावर कैसा है, पावर जनरेट करता है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कैसा है, वहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इसी प्रकार पे पावर लेजर ये एक वेबसाइट है जिसके द्वारा आप रिन्यूएबल एनर्जी बाय सेल कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, टाटा पावर इज ऑल्सो पार्टनर विथ दिस कंपनी। मैं आपको इसकी वेबसाइट पे ले चलता हूं। तो आ चुके हैं हम पावर लेजर की वेबसाइट पे। तो एज यू कैन सी ऑन द वेबसाइट, काफी अच्छे से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। इसके पार्टनर आप देखिए, ब्लॉकचेन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, टाटा पावर भी है। जस्ट अ मोमेंट, क्लाइंट्स में हम लोग जाते हैं, शायद वहां पे मिल जाए। ओके ओके ओके, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको दिखाता हूँ। प्लेटफॉर्म पे आते हैं, मीडिया, न्यूज आर्टिकल अबाउट। मैंने लास्ट टाइम ही देखा था, मुझे पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा है अभी। क्लाइंट्स, मीडिया, प्लेटफॉर्म, पावर लेजर, टाटा पावर। ओके, यहाँ पे आ चुका है, देखो। टाटा पावर DDL रोल्स आउट लाइव पीयर टू पीयर सोलर एनर्जी ट्रेडिंग, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पायलट प्रोजेक्ट इन दिल्ली, ठीक है। तो आप ज़्यादा डिटेल वेबसाइट पे जाके निकाल सकते हो। बहरहाल, हम चार्ट पे आते हैं, काम की बात करते हैं। सी, एज यू कैन सी दैट यहाँ पे जो वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, चलो थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो देखिए, काफ़ी विशालकाय भयानक वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप एवरेज बाइंग एक्टिविटी को यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, राइट, यहाँ पे आपको दिखेगा 100 मिलियन और 4 बिलियन मैक्स, यहाँ पे आ जाएगा 3 बिलियन मैक्स, यहाँ पे अराउंड 166 बिलियन, ठीक है। तो पावर लेजर में डेफिनेटली बाइंग तो अच्छी हुई है। ऑल्सो प्राइस को अगर आप देखोगे तो 9 रुपये से, 8 रुपये से प्राइस भाग के 60 रुपये पे आई है। सो सेवन फोल्ड हुई है प्राइस में, भी मोमेंटम देखने को मिला है। देखो, इसका जो ऑल टाइम हाई था वो अराउंड 120 रुपीज़ का है, और अभी जो बाइंग एक्टिविटी हुई है आपको दिख रहा है यहाँ पे, जस्ट अ मोमेंट मैं दिखाता हूँ, 154 बिलियन। कैन यू सी ऑन द स्क्रीन, मैग्नीफाइंग करो क्या इसको, ये जो यहाँ पे वॉल्यूम है, आप कॉइन GECKO.com इस पे जाके आप चेक कर सकते हो। 150 बिलियन का यहाँ पे वॉल्यूम हमको देखने को मिला है, ठीक है। और ये जो एवरेज प्राइस है, आप मान के चलो यहाँ पे 40 रुपये का एवरेज प्राइस लेके चलो, ठीक है। 150 बिलियन इंटू 40, तो ये कितना हो जाएगा, 60,000 बिलियन, ये रुपीज में है। मिलियन मतलब होता है 10 लाख, बिलियन मतलब 100 करोड़। तो दिस इज 6,000 इंटू 100 सीआर, सो 6 लाख करोड़ हो गया ना। ज्यादा हो गया थोड़ा, नहीं? हाँ वही तो, बहुत ज्यादा जीरो आ गए, नहीं? चेक करें एक बारी कैलकुलेशन फिर से, जस्ट अ मोमेंट, कैलकुलेशन फिर से करते हैं एक बारी। हाँ, वॉल्यूम कितना है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़,
100 करोड़ बराबर, मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। यस आई डिड अ मिस्टेक। यहाँ पे देख पा रहे हो आप कितने डिजिट आ रहे हैं? यूनिट टेंस 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, सो 154 100 करोड़। यस 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 सही है। सो 150 बिलियन वॉल्यूम है, दैट इज बिलियन मीन्स 100 CR, और हम एवरेज बाइंग ना 40 रुपए के लेके चल रहे हैं। तो किसी इनसाइडर ने इतना अमाउंट पंप किया हुआ है, आप सोच सकते हो यहाँ पे इंट्राडे मेरे ख्याल से वॉल्यूम कम ही होगा, किसी एक अच्छे खासे इंस्टीट्यूशन ने ही बाय किया है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 रुपए से भाग के ये प्राइस अभी 60 रुपए के आसपास सस्टेन कर रही है। सो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया ये, दिस इज अबाउट 15,000 CR टाइम 40 रुपीज, तो ये कितना हो जाएगा फिर? 15,000 करोड़ का वॉल्यूम है इनटू 40, सो दैट मीन्स ये हो जाएगा 60,000 करोड़, और एक और जीरो लगा दिए तो 6 लाख करोड़। काफी बड़ा अमाउंट पंप हुआ है यहाँ पे। मान के चलते हैं कुछ इसमें इंट्राडे ट्रेड्स भी होंगे, कुछ स्पेकुलेशन भी होगा, इससे आप 1/10 अमाउंट भी लो तो काफी बड़ी अमाउंट है। एनीवेज चार्ट पे जो टारगेट है, मैं आइए उनको डिस्कस कर लेता हूँ। 120 का हाई है और 5 रुपीज का लो है, मान के चलो 0 का ही लो है, ठीक है। तो इसका जो टारगेट आता है सबसे ऊपर का, जितना नीचे पहले तो उतना ऊपर। सो जो फर्स्ट टारगेट इसका आ रहा है यहाँ पे, जो रेसिस्टेंस भी बन के दिख रहा है, वो आ रहा है 80 रुपीज का। दूसरा रेसिस्टेंस जो आ रहा है वो 100 रुपीज का, और तीसरा जो आ रहा है वो आ रहा है 120 रुपीज का। इसके अलावा राउंडिंग बॉटम के हिसाब से जो टारगेट बैठता है वो ऊपर कम से कम 220 रुपए का। इतना ये जाना चाहिए, ठीक है। जो स्पॉट पे प्राइस चल रही है, मैं आपको स्पॉट की प्राइस दिखा देता हूं। स्पॉट प्राइस इज 61 रुपीज। स्पॉट प्राइस कितनी है? 61 रुपीज। सो इस लिहाज से जो टारगेट आ रहे हैं 80, 100, 120 और 220, तो इस तरीके से बढ़िया टारगेट हमको देखने को मिल रहा है। एज ऑफ नाउ पावर लेजर मेरे ख्याल से कॉइन DCX प्रो पे आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, कुछ कॉइन के बेसिक्स अगर आप देखो तो यहाँ पे यूनिट 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यहाँ पे 26 बिलियन का मार्केट कैप है। 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे देखा है, टोटल सप्लाई इन्होंने दे रखा है। अब एक चीज यहाँ पे देखने लायक है दोस्तों, यहाँ पे जो पैसे का टर्नओवर है कितना था? 6 लाख करोड़ का टर्नओवर था, बट 6 लाख करोड़ का टर्नओवर था, पर टोटल सप्लाई कितना है? टोटल सप्लाई मतलब फाइनली मार्केट में मैक्सिमम सप्लाई क्या है? तो इट्स अ 1 बिलियन, मतलब इससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पे हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है। बट जो पैसे का टर्नओवर हुआ है पिछले 8 दिन में, काबिले तारीफ वाकई, ठीक है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी काफी कमा रहे हैं। अच्छा, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है ना वो 429 मिलियन के आसपास है, राइट। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मेरा इंटरेस्ट इसमें क्यों आया है वो भी आपको बता देता हूं। यहां पे ऑल टाइम हाई के आसपास आप वॉल्यूम एक्टिविटी नोटिस करो, देयर इज अ वेरी लेस वॉल्यूम एक्टिविटी, 2 बिलियन के आसपास है, और यहाँ पे इतना नीचे 150 बिलियन का वॉल्यूम है। सो यूजुअली इस तरीके के जब भी बाइंग में होते हैं ना, तो आप देख पा रहे हो मतलब बहुत ही स्ट्रेट रन आया है यहाँ पे। ऑल्सो आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे जब भी यहां से प्राइस ऊपर की ओर भागी है तो जो वॉल्यूम्स हैं वो बड़े हैं। जब भी प्राइस ने रिट्रेसमेंट किया है वॉल्यूम्स कम हुए, मतलब सेलर्स आर रियली वीक। वॉल्यूम फिर से ऊपर गया है और प्राइस भी ऊपर गई है, दैट मीन्स जो नीचे लाने वाले हैं, जो लोग नीचे ला रहे हैं
वो कमजोर लोग हैं। सो ओवरऑल दिस इज ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। रही बात स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस में आपको यहाँ पे सजेस्ट कर सकता हूँ, आप एक काम करिए, बहुत ही छोटा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किए कीजिए, दैट शुड बी रियली लो अमाउंट। ठीक है, जो स्टॉप है हमारा इट इज अराउंड 38 रुपीज, तो स्टॉप लॉस काफी दूर है, मैंने बात मानी है। बट अगर आप एक छोटा सा अमाउंट लेते हो तो काफी अच्छा ट्रेड बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो वॉल्यूम्स है ना काफी इंप्रेसिव है, दिस इज अ रियली इंप्रेसिव वॉल्यूम। इस तरीके के वॉल्यूम आने के बाद एटलीस्ट हमको एक साल के अंदर 300 रुपये तक के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। बट बहरहाल ट्रेडिंग वॉल्यूम इट्स रियली फैंटास्टिक, अमेजिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम हमको देखने को मिला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सी यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।